झांसी में एक जमीनी संबंधी शिकायत का निस्तारण के लिए पहुंचे दरोगाओं पर हमला कर दिया गया। झांसी में दो महिलाओं समेत कुछ लोगों ने दरोगा को घेर कर जमकर पीटा। जमीन के विवाद में यह दरोगा जांच करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी विवाद की स्थिति बन गई और मामला बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने दोनों दरोगा को घेर कर उन्हें पीटना शुरू किया। किसी तरह दोनों ने भाग कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स गांव पहुंच गया और दबिश दी गई, लेकिन आरोपी गांव से फरार हो चुके थे। उनकी तलाश में पुलिस ने देर रात तक दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी हाथ नहीं लगा। घायल दरोगा की तहरीर पर दो महिलाओं समेत छह के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है। रक्सा थाना के सारमऊ कलौथरा गांव निवासी पर्वत यादव ने IGRS में पड़ोसी जगदीश यादव के खिलाफ जमीन कब्जाने की शिकायत की थी। 4 नवंबर को पुलिस ने जगदीश को थाने में बुलाया, लेकिन वह थाने नहीं पहुंचा। रक्सा थाने में तैनात दरोगा ओमवीर सिंह और रमेश कुमार इस मामले की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां पर वह खेत पर आरोपी जगदीश से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान जगदीश के ही परिवार के कुछ लोग लाठी डंडे लेकर पहुंच गए और दोनों पुलिसकर्मियों को घेर कर मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी पक्ष तब तक मौके से फरार हो गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 7/11/2024 को थाना क्षेत्र रक्सा के कलौथरा गांव की रहने वाली सुधा देवी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोपी जगदीश आदि उनके फैमिली के लोग थे। इसकी जांच हेतु दो सब इंस्पेक्टर ओमवीर पाल और रमेश चंद मौके पर गए थे। जगदीश अपने खेत में काम कर रहा था, वहाँ इन लोगों के द्वारा पूछताछ की जा रही थी आरोपों के संबंध में। इसी बीच जगदीश के घर के भी लोग आ गए और बातचीत के दौरान सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके संबंध में और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया इन लोगों ने, और इसके संबंध में ओमवीर पाल के द्वारा थाना रक्सा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो आरोपी हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।